कराया जा रहा है, प्रतिज्ञान लिया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, दोषी को पकड़ के जेल भेजा जाएगा निश्चित रूप से। कितने बच्चे? दो बच्चे थे, दोनों बच्चे के बारे में बताया, दोनों बच्चे मर गए। गोल लगातनी समाचार बटुए गया से रिपोर्टर बानी रमेश कुमार जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए, कलयुगी बाप के हैवानियत देखे के मिलल, दारू के निशा में मेहरारू से भइल विवाद, जुड़वा बच्चन के पटक के मुआ दिहल। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर नया बानी, तभी बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी ताकि सबसे पहले खबर रौरा मिले, देखला के बाद शेयर जरूर करी। ये कलयुग है हमार भाई, कलयुग में आ उहो दारू के निशा, पियकड़ई जवन ना करा देव, पियकड़ई में बताई भला अपन लैका तक ना चिन्हाई ले पियकड़ बाप के, कलयुग के पियकड़ बाप के अपन लैका तक ना चिन्हाइल, अपन लैका के पटक के मुआ दिल। खबर का बात तनी विस्तार से जानी। गया जिला के मेडिकल थाना क्षेत्र में एगो शराबी बाप अपन जुड़वा बच्चन के पटक के मुआ दिहलस, एजा बाप के हैवानियत देखे के मिलल, एगो बाप अपन चार महीना के दूगो जुड़वा बच्चन के पटक पटक के मुआ दिहलस। यह सनसनी खेज वारदात से इलाका में पूरा सनसनी फैल गई, जबकि आरोपी पिता मौका से 9/11 हो गई। मिलल जानकारी के अनुसार ये वारदात जिला के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के मगध कॉलोनी रोड नंबर 5 के है। स्थानीय लोग बतावल कि मेहरारू से भइल विवाद के बाद खिसिया के काई पियकड़ रहल है, पियकड़ई में ई बाप अपन चार महीना के दूगो जुड़वा बच्चन के पटक पटक के मुआ दिहलस। सूचना के बाद मौका पे स्थानीय लोग के भीड़ जमा हो गई, वही पुलिस भी मामला के छानबीन में जुटी गई। इस संबंध में मगध मेडिकल थाना प्रभारी शैलेश कुमार बतैनी कि रोड नंबर 4 और 5 के बीच के गली में रहे वाला देवेश शर्मा पारिवारिक विवाद के कारण चार महीना के दूगो लैकन के जमीन पर पटक दिहलस, जौना कारण दोनों लैकन के जान चली गई। घटना के बाद देवेश शर्मा फरार बा, उ टेम्पू चलावे के काम करेला, पुलिस दोनों बच्चा के मुअल देह के पोस्टमार्टम खातिर अनुग्रहण नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहल बिया, पुलिस बता रहल बिया कि जल्द ही आरोपी के गिरफ्तार कर लिहल जाए। ओहिजे आरोपी देवेश शर्मा के मेहरारू रानी शर्मा बतैली कि नशा के हालत में हमार मरद रोज मारपीट करत रहल है, ये साहेब काल जब वो घरे आई तो हमरे से विवाद करे लागल, काहे से कि हम उनकर छोट भाई यानी अपन देवर के खाना देवे खातिर चल गई रही, यही के लेके वो खिसिया गई, हमरा पे आरोप लगावत मारपीट करे लागल, जेकरा बाद लैका के जमीन पर पटक दिहलस, जौना से दोनों हमार लैका हमार लाल जेकरा के हम अपना तन से पैदा कैली 4 महीना बाद हमरा के छोड़ के लैका चली गई रस। तो यह तरीका से हैवानियत के हद पार करत ई व्यक्ति अपन लैकन के 6 महीना के लैकन के पटक के मुआ दिहलस, पुलिस के ऐसन हैवान बाप के ऐसा पियकड़ बाप के जल्द से जल्द गिरफ्तार करे के चाहिए। सुनी बयान शेयर करी, धन्यवाद। मिला है ऐसे बच्चा मरा है, एक सेकंड सर बोल लीजिए, आप पहले बता दीजिए, आइए ना आप भी सुनिए ना, हाँ खड़ा हो जाइए जल्दी, हाँ आपसे तो बात हुई है वो दीपेश मेडिकल वाले मामले में, दूसरा बच्चा जो है उसके साथ कैसे घटना हो गया, कितने कितने रह गया, कॉस्ट बोलिए ना, के तो है केवल बढ़ेगा तो पूरे पड़ोसी से ले लिए थे बच्चा ने, हाँ सर कौन काम करता था, किसके साथ मारपीट,
जी बताएं जी जी क्या क्या सूचना सूचना मिली कि रोड नंबर 4 और 5 के बीच में गली है, वहाँ एक परिवार है जिसमें दो नवजात बच्चे थे और उसका बच्चे के जो पिताजी जो है बच्चा को पटक दिए जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई है। बच्चा का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, प्रतिवेदन लिया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, दोषी को पकड़ के जेल भेजा जाएगा निश्चित रूप से। कितने बच्चे? दो बच्चे थे, दोनों बच्चे के बारे में बताया, दोनों बच्चे मर गए। क्या वजह रही? वो बताया कि आपसी झगड़ा कला होगा उसमें, वो जो कुछ क्लियर बता नहीं रही है, लेकिन बता रही है कि दोनों बच्चे कला से झगड़ा हुआ, पटक के भाग गया। दोनों की मौत? टेम्पो चलाते हैं वो, देवेश शर्मा नाम उनका है। दोनों की हत्या हुई है कि एक ही है? दोनों के बारे में बता रहे हैं, दोनों बच्चा मरा हुआ है। बच्चे की उम्र क्या है सर? पोस्टमार्टम से ही क्लियर होगा, 4 महीने बच्चा बता रहा है। जुड़वा बच्चे थे? जुड़वा बच्चे। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, आगे जो भी अनुसंधान में आएगा स्पष्ट। अभी फरार हो गया ये? अभी फरार है, लेकिन हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करें। ठीक है।